दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसके बाद पति और पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत तलाक पर आ गई। इस पर पत्नी ने अपने पति से कहा, तुमसे तलाक लेने के बाद तेरे ही सामने 20-20 मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। यहाँ 30 वर्षीय नान बाबू अपने 28 वर्षीय पत्नी मोहिनी के साथ रह रहा था और गांव के ही पास एक चौराहे पर किराना स्टोर चलाता था। वह सुबह घर से निकल जाता तो शाम को 8 बजे ही घर वापस आता था, जिसके चलते दोपहर का खाना लेकर पत्नी दुकान पर जाया आया करती थी। जब पति खाना खाने के लिए अंदर चला जाता तो उस समय उसकी पत्नी दुकान संभालने लगती थी। पत्नी का चाल चलन सही नहीं था। इसी बीच दुकान के ही एक ग्राहक से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों का प्यार जब धीरे धीरे परवान चढ़ा तो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो गए। तभी एक दिन पत्नी मोहिनी दुकान से घर लौटते समय प्रेमी को रास्ते मैं बुला लिया और बगल के गन्ने में जाकर उसके साथ नाजायज संबंध स्थापित कर लिया। हर रोज मोहिनी दोपहर को दुकान से घर लौटते समय प्रेमी को रास्ते में बुला लेती और बगल के गन्ने में जाकर मजे से शारीरिक संबंध बनाती थी। पत्नी का ये कारनामा ऐसे ही लगातार चल रहा था। लेकिन दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह एक नए दिन जरूर फूटता है। ठीक इसी प्रकार जब एक दिन पति मार्केट कुछ सामान लाने के लिए गया हुआ था तो उसकी पत्नी मोहिनी दुकान संभाल रही थी। तभी उसका प्रेमी मौका देख वहां पर आ गया और मोहिनी से प्यार करने की बात कही। जैसे ही वे प्यार करने की बात कही तो मोहिनी इधर उधर देखकर दुकान का शटर नीचे गिरा दिया और चुपके से प्रेमी को अंदर बुला लिया। उसके बाद दोनों मजे से अवैध संबंध बनाने लगे। तभी अचानक पति सामान लेकर दुकान पर आ गया तो देखा कि दुकान का शटर नीचे गिरा हुआ है और अंदर से शटर बंद है। तभी उसे अपने पत्नी पर शक हुआ और दुकान में लगे शटर को जोर जोर से पीटने लगा। उसके बाद पत्नी ने पति को ग्राहक समझकर दुकान का शटर खुला तो अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद पति और पत्नी के बीच विवाद होना शुरू हो गया। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी से तलाक लेने की कवायद शुरू कर दी। उसने वकील से परामर्श लेकर थाने गया, जहां उसने तलाक संबंधी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद वह घर पहुंचा और पत्नी से कहने लगा, मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं, मैंने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बस यही बात पत्नी को नगावार गुजरी और दोनों के बीच फिर से विवाद होने लगा। इसी दौरान पत्नी ने उसे ऐसा कुछ बोल दिया है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। पत्नी ने उससे कहा कि तुमसे तलाक लेने के बाद तेरे ही सामने 20-20 मर्दों से संबंध बनाऊंगी और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही पत्नी के मुंह से ये शब्द सुना तो वह गुस्से से लाल तार हो गया और उसने तुरंत पत्नी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पति पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने सारी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने घटना का विस्तार से जांच किया तो मामला सही पाया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क रहें।